चुनावी वर्ष में नेताओं की दल बदलने की कवायद भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और आम आदमी पार्टी में सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। आज शिमला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष निक्का पटियाल को पार्टी में शामिल करवाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी में लोग जनता की सेवा के लिए आना चाहते हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार से हर वर्ग परेशान है, लोगों का कांग्रेस पार्टी में विश्वास बढ़ा है, इसलिए भाजपा और आप पार्टी को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो भी पार्टी में सेवा के लिए आना चाहता है, उसका पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में भी साफ शब्दों में कह दिया कि जो आएगा उसका स्वागत है और जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जल्दी चला जाए। उसमें कमियों के अलावा कुछ नहीं था, सारी कमियां ही कमियां हैं वहां पे। मैंने आपको शॉर्टकट जो है ना बताया कि केजरीवाल अपने हिसाब से ही हर एक स्टेट में शासन को चलाना चाहते हैं। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी भी दिलवाई, उसके बाद तरह तरह के संयंत्र कारखाने एम्स वगैरह वगैरह सब सेटअप किया और इवन कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान भी दिए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैंने 4 साल काम किया और डट के काम किया। जब सारी चीजें सामने आने लगी अंदर घुसने के बाद, तब मेरे को पता चला कि यहाँ क्या है। आम आदमी पार्टी विशेष ही पार्टी है, आम तो कोई वहां है ही नहीं है। मैं बताया ना, मेरे प्रभारी जो हुआ करते थे उस टाइम रत्नेश गुप्ता जी, शिमला में पता मैं तो कभी देखा भी नहीं वो होटल। वो कहते थे कि हनीमून इनमें मेरे को बुक कराओ, कहाँ से मैं बुक कराता, जबकि पार्टी से मेरे को एक नया पैसा नहीं मिला, एक नया पैसा। 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाना और 3-4 आदमी साथ में रहने, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि कितना मैंने उस पार्टी को दिया है। तो उसके बाद कुछ अंदर की बातें होती हैं जो इस मंच से मैं नहीं कह सकता हूं और ना मेरे को कहना चाहिए। ये निक्का सिंह पटियाल जी जो 2017 से 2021 तक आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में संस्थापक रहे, प्रदेशाध्यक्ष रहे, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ शेष राम सकलानी जी भी हैं जो संगठन मंत्री थे, सोशल मीडिया के इंचार्ज भी थे, वो भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निक्का राम पटियाल जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और आम आदमी पार्टी को उन्होंने यहाँ खड़ा किया। इनके मन में विचार आया कि आम आदमी पार्टी के लोग तो कांग्रेस में हैं, जो आम आदमी पार्टी करती है वो ऐसा है नहीं, कथनी और करनी में फ़र्क है। इन्होंने हमसे अनुरोध किया और आज आपके सामने ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले हमने प्रतिभा सिंह जी और उनका स्वागत किया, इन सबसे बात करने के बाद, AICC से बात करने के बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। इसके लिए हम इनको कांग्रेस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स